नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका दैनिक राशिफल कार्यक्रम। मित्रों, आज दिनांक 14 मई 2024 दिन मंगलवार है। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। मित्रों, आज बुध, सूर्य व शुक्र मेष राशि में है, गुरु वृषभ राशि में है, चंद्र कर्क राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और मंगल तथा राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र पुष्य है, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, करण ग्रह है, योग गंड है, सूर्य गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल रहेगा दोपहर के 3:42 से 5:22 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से हम लोगों को बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:47 से 1:11 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेने की अभिलाषा हो। दिशाशूल उत्तर की तरफ रहेगा, उत्तर की तरफ लंबी दूरी की यात्रा से बचना है। अगर मजबूरी है उत्तर की तरफ यात्रा करनी ही है तो गुड़ खाकर लंबी दूरी की यात्रा हम लोग उत्तर की तरफ कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आप देखेंगे कि कामकाज में कुछ रुकावटें आ रही हैं जिनकी वजह से आपका दिन जो है थोड़ा कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। आपको इन्हें एक एक करके दूर करना चाहिए, अन्यथा शाम तक काफ़ी बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। माता का स्वास्थ्य आज चिंता का विषय बनेगा, इस पर ध्यान दें। माता के आशीर्वाद की भी आपको जरूरत पड़ेगी। आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनके साथ आपका आज विवाद हो सकता है, उनसे बचने की कोशिश करें। सेहत भी कुछ परेशान कर सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, कोई ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे थे या कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो आप देख लें, पसंद करें, अभी कोई पैसे का लेन देन ना करें। धन संबंधी मामलों में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात ना करें, कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत देने से आपको बचना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। वृषभ राशि, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार सभी आपको सपोर्ट करेंगे। विशेष रूप से आपके भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। पड़ोसियों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, फैमिली मेम्बर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। वर्क प्लेस पर आपने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ होगी। धैर्य बना करके रखिए, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आपके जो प्रेमी हैं, जो प्रेमिका हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। अगर आपको कोई सांस से संबंधित समस्या है, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना उसकी वजह से आज आपको करना पड़ सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं जो आपने प्लान कर रखी हैं वो आप जरूर कर लें, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहेंगी। आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है, शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। मिथुन राशि, सोशल लाइफ डल रहेगी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ नहीं होगी, इससे आप आज के दिन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। पैसे की थोड़ी सी चिंता रह सकती है, आप अपना पैसा उतावलेपन की वजह से कहीं गलत जगह फंसा सकते हैं। परिवार की सुने, दोस्तों की सुने तो आपको लॉस नहीं होगा। ENT के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। विशेष रूप से आँखों में कुछ परेशानी हो सकती है, वाणी पर संयम रखें। किसी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात आप ना करें। पैसे का फ्लो जैसा आपने सोचा है शायद वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा आपने कुछ प्लान कर रखी है, हो सके तो टाल दें, इस यात्रा के फलदायी होने की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। प्रेमीजनों को भी सलाह दी जाती है कि प्रेम के लिए आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो आपस में बातचीत करते समय कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे गलतफहमियां पैदा हों। आज के दिन आपके लिए 55% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। कर्क राशि, आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम आज ऐसे कार्यों पर खर्च हो रहा है जिससे आपके जो प्रियजन हैं उनको खुशी मिल रही है।
आपके ऑफिस के लोग भी आज आपसे खुश रहेंगे, आपके दोस्त भी आपसे खुश रहेंगे, आपका कोई मनचाहा काम भी आज पूरा हो सकता है, आप कोई महंगी वस्तु अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। आपके जो प्रेमी हैं, जो प्रेमिका है, उनका लव और अफेक्शन आपको जरूर मिलेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा। आप प्रत्येक कार्य में बुद्धि का प्रयोग करिए, आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और इसके साथ साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आप अगर एलिजिबल हैं, बैचलर हैं और आपकी गृह दशा सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। समाज में मान सम्मान भी बढ़ रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए एक अच्छा समय है, इसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है, शुभ अंक 2 है, शुभ रंग क्रीम है। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ बिना वजह के तनाव हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, शांत रहकर इस तरह की परिस्थितियों को टालने की कोशिश करें। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ये एक्सपेंसेस आपको और ज़्यादा तनाव दे सकते हैं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें। आपके एनिमीज़, आपके अपोनेंट्स आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, उन पर नज़र रखें। कोई पुराना रोग उभर सकता है, आपको वापस से परेशान कर सकता है। अगर आँखों से संबंधित है ये रोग तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कई दिन से ठीक से आपको नींद ना आने की समस्या हो रही है तो आपको स्वभाव और आपका जो आपका स्वास्थ्य है इस पर आपका विपरीत असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पर आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपकी आज उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होगी, उसको लेकर के विवाद में ना पड़ें। विदेश से कोई काम रुका हुआ था, बहुत दिन से प्रयासरत थे, आज विशेष प्रयास करें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल दिखाई दे रहा है, इसको और अनुकूल अगर बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। कन्या राशि, आपके जो विचार हैं उनके अंदर आप देखेंगे कभी स्थिरता आने लगेगी, परिस्थितियां पहले से बेहतर आपको समझ में आएंगी, आपके डिसीजन अभी पहले से ज़्यादा मैच्योर होंगे और उनके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपने जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वहाँ वैल्यू उसकी बढ़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपको आर्थिक संपन्नता की ओर एक और कदम आपका बढ़ेगा। आपने कुछ गोल्ड भी खरीदा हुआ था तो उसमें भी आप देखेंगे कि वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिलेगा। आपके सबॉर्डिनेट्स, कोवर्कर्स, साथ में काम करने वाले लोग, आपके बॉसेस सभी आपकी मदद करेंगे, शत्रुओं को हराने में, परास्त करने में आपकी मदद की जाएगी। साहस भी रहेगा आपके पास, उत्साह भी रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई रोग था तो उससे आराम मिलने की पूरी संभावना है। आपकी सफलता में विपरीत लिंग की भूमिका दिखाई दे रही है, तो अगर आपका आज इस तरह का कुछ इंटरेक्शन होता है, कोई सलाह मिलती है, तो आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक लाभदायक स्थिति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है, शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। तुला राशि, बहुत दिन से कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी बिल्कुल सही समय है, शुरू कर दें, सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, परिवार से आपको मान सम्मान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा है वो भी लाभप्रद रहेगी, आपका बिजनेस भी इम्प्रूव होगा, आपकी जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, प्रशंसा होगी आपकी, आप पूरे दिन चीयरफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, परिवार का, दोस्तों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम आएंगी। सरकार से या उच्च अधिकारियों से कोई काम कराना था, आज का दिन श्रेष्ठ है, आज प्रयास करें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, आज आलस में थोड़ा सा मन भरा रह सकता है, बॉडी में भी थोड़ी वीकनेस फील होगी, लेकिन अगर आप परिश्रम से पीछे हटेंगे तो लॉस हो सकता है, भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें, धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में, ईश्वर भक्ति में मन लगाएं, आपका दिन अच्छा बीतेगा। गुरु से मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लें। आप में से कुछ जातकों को किसी विवाह या सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन रहा है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको समय रहते दूर कर लेने चाहिए। दान पुण्य भी आज जितना करते रहेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो मंदिर में पीले फलों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गेरुआ है। धनु राशि, तनाव थोड़ा मन मस्तिष्क पर बना रह सकता है, आपके मन में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार आ सकते हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं, इनसे आपको बचने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई लंबा चलने वाला रोग है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या इसी तरह का कोई रोग है, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान आज कर सकता है, इस पर नज़र रखें। छोटा मोटे सीजनल रोग भी आपको बेवजह परेशान कर सकता है।
आप अगर टूरिंग जॉब में हैं तो हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़े। आप टूर में हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है और वाहन भी सावधानी से चलाना है। जीवन साथी का परिवार आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है, आपका सामर्थ्य है तो आप उसको जरूर पूरा करें, लेकिन बिना वजह की कोई चिंता तनाव या डर अपने मन में आएगा तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। इस तरीके के निगेटिव विचारों से दूर रहें, अकेलेपन की भावना से भी दूर रहना है, घूमना फिरना है, प्रकृति का आनंद लेना है और वर्क प्लेस में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिनको आपको समय रहते दूर कर लेना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। मकर राशि, आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी और आपको इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज भी मिलते रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बॉन्डिंग मजबूत हो रही है, पारिवारिक माहौल अच्छा हो रहा है, बच्चे आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन रहे हैं। आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में आज का दिन बीत सकता है, सोशल लाइफ पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस इम्प्रूव होगा, आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा कुछ प्लान करना चाहते हैं जरूर कर लें, यात्राएं आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहेंगी। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय शांतिपूर्ण बना रहेगा, ननिहाल पक्ष आपको सपोर्ट करेगा, शत्रुओं से आपका बचाव होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, कोई झगड़ा था तो उसमें मीडिएशन होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिना बात के किसी भी डर से आपको बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये डर आपकी सफलता में बाधक होगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मर्यादित व्यवहार आपसे अपेक्षित है, आपके एनिमीज आपके अपोनेंट्स एक्टिव रहेंगे लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। आर्थिक योजनाओं के लाभ आपको मिलते रहेंगे। आप कोई लोन लेना चाहते थे तो पेपर वर्क रेडी करें, आगे आने वाले दिनों में आपको लोन भी मिल जाएगा। आप अगर जॉब करते हैं तो आपको जॉब फ्रेंड भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधर रहे हैं, ये अभी उत्तरोत्तर और मधुर होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है, शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। मीन राशि, बेवजह की चिंताएं मन में आएंगी, आपको नकारात्मकता की तरफ ले जा सकती हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें क्योंकि आज अगर आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो पूरा दिन आपका खराब हो सकता है। आपको टाइम टेबल बनाकर अपने सारे काम पूरे करने चाहिए। आप जॉब करते हैं तो आप अगर बहुत सारा काम एक साथ पकड़ लेंगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा, एक एक करके अपने कार्य को पूरा करें। और आपके संतान को कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आपको बातचीत करके दूर करना चाहिए। बिजनेस में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा प्रॉफिट नहीं होगा, रोज एक जैसा प्रॉफिट होता भी नहीं है, कभी अच्छा होता है कभी कम होता है। आप अगर सिंगिंग में, डांसिंग में या स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप किसी जॉब की तलाश में थे तो किसी मित्र की मदद से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है जैसे कि जॉब चेंज, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग से जानकार से सलाह लेने के बाद ही इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बहुत अच्छा समय नहीं है, स्पेशली स्पेकुलेशन का कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय नहीं है। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से 2-4 दिन बचें। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।